नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज़। और टीटीआई न्यूज़ पर इस वक्त हमारे साथ हैं मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी मंदिर के अधिकारी वैद्य अशोक कुमार जी। आप मंदिर के अधिकारी भी हैं और वैद्य भी हैं, तो आपसे मंदिर की व्यवस्थाओं में हुए परिवर्तन की तो जानकारी हम लेंगे ही, कोरोना पर भी थोड़े से हम चाहेंगे कि आप अपने विचार व्यक्त करें। द्वारकाधीश मंदिर जनता की सुरक्षा, वायरस नहीं फैले, शासन प्रशासन एवं मंदिर के मालिक श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज एवं डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज के आदेशानुसार 31 तारीख तक के लिए पब्लिक के लिए पट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मंदिर का सेवा क्रम अंदर चालू रहेगा, जिसमें सब कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सेवा जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। ये व्यवस्था 31 मार्च तक कर दी गई है, उसके पश्चात नए आदेश के अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब दर्शनार्थियों के लिए मंदिर नहीं खुलेगा 31 मार्च तक, ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज मंदिर का मंदिर नहीं खुलेगा 31 मार्च। अच्छा, ये तो मंदिर की सूचना हो गई और मंदिर में आपने काफ़ी सतर्कता बरती, प्रशासन ने आपकी प्रशंसा की, जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं ये कहा कि जो द्वारकाधीश मंदिर है या कि अन्य मंदिर हैं वे खुद ही सतर्कता बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम यदि आपसे कोरोना को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय जाने, क्योंकि आप वैद्य भी हैं और उपचार की आयुर्वेद प्रणाली के अच्छे ज्ञाता हैं, और जो यहाँ का आयुर्वेद चिकित्सालय है द्वारकाधीश मंदिर का, उसके संचालक भी हैं, तो क्या कहेंगे आप कोरोना को लेकर जनमानस से? कोरोना को लेकर जनमानस से ये मेरा अनुरोध है कि ये वायरस गंदगी पानी से नहीं फैलता है, आदमी से आदमी में फैलता है। कृपया आदमी से दूरी बना के रखें, किसी से संपर्क में नहीं आए, हाथ नहीं मिलाएं, 1 मीटर की दूरी से बात करें। अगर किसी को खांसी जुकाम वगैरह हो तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए या अपने पर्सनल डॉक्टर पर जाके इलाज कराए। सिर्फ इसमें सतर्कता ये बरतनी है आपको कि आदमी से आदमी दूरी बना के रखें। हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि बढ़ा लें तो वो उपाय कैसा रहेगा? और उसके लिए आपको महासुदर्शन घन चूर्ण का रोज एक आधी आधी चम्मच प्रयोग करें तो आपको ये वायरस नहीं होगा। महासुदर्शन चूर्ण अगर आप इसका इस्तेमाल करें आधी आधी चम्मच सुबह शाम, तो इसके वायरस से बचा जा सकता है।